मैंने भारत सरकार के गृह मंत्री का बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के आतंकी संगठनों का ये सब अड्डे पाकिस्तान में हैं, और केवल अड्डे ही नहीं है, पाकिस्तान की सरकार उनको खुला समर्थन दे रही है। भारत की अस्मिता पर हमला हुआ है और इसलिए अब समय आ गया है कि एक आत्मविश्वस्त राष्ट्र अपनी सेनाओं को खुली छूट दे, आदेश दे आगे बढ़ो, पाकिस्तान में प्रवेश करो और आतंक के सब अड्डों का समूल नाश कर दो। हम सरकार से इस कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। हम विश्व समुदाय से ये भी कहेंगे कि जिहाद की जो मानसिकता है जिसके कारण से विश्व आतंकवाद को झेल रहा है, उसका भी वैचारिक स्तर पर सामना करना जरूरी है और इसके लिए भी विश्व समुदाय अपनी लड़ाई जारी रखे। सर, किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है? मैंने कहा कि आतंकवाद के अड्डों का पाकिस्तान में जहां कहीं भी वे हैं, हमारी सेना वहां जाके नाश करे, इसकी आवश्यकता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि खुली छूट है सेना को, ये क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? मुझे उम्मीद है कि हो पाएगा। मैंने देखा है कि सामान्य तौर पर विपक्ष ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है, पूरा राष्ट्र सरकार के साथ खड़ा हुआ है। मैंने देखा है कि सारा विश्व का समर्थन मिला है, इसलिए ये सही मौका है कि हम आगे बढ़ जाएं, पाकिस्तान की चुनौती का सामना करें, आतंकवाद को नष्ट करें। कश्मीर के अंदर आतंक करते थे, देश के किसी भी हिस्से में आतंक करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन एक बात हम भूल गए, कल हमें भुगतना पड़ा। वो क्या है कि जब कश्मीर से 4.5 लाख हिंदुओं को भगाया गया तो देश का हिंदू समाज ने वो प्रतिक्रिया नहीं की जो करनी चाहिए थी। बोलो की क्या? नहीं। कश्मीर में नौजवान जो पत्थर फेंक रहे घबरा रहे जवान है, मैं कहता हूं काफी चीज को नोट करके ले जाना, हमारे अनुभव की बात है। जो पत्थर फेंकने वाला नौजवान है कश्मीर में, वो आतंकवाद की पहली सीढ़ी से चला हुआ नौजवान जाए जो एक आतंकवादी के साथ रहना चाहिए, यानी कि उसको कोरोना के विषय में नहीं सोचा चाहिए। भारतीय सेना को सीता होते 47 और होते 56 उसके सीने के अंदर, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये मानना कि काशी हमारी सेना ऐसा कर सकती है ना? अब इस चीज और जब ये यहां से शुरू होगा तो हम तो आज मांग करने आए हैं सरकार से, बात करते हैं कई पाकिस्तान है, हम तो पाकिस्तान का ही नहीं मानते, और हमारे मानना है ये विश्व में हर न्यूज एजेंसी, विश्व की हर न्यूज एजेंसी में साफ हमारे हम इस मंच से इस चीज का आह्वान करते हैं कि भारत सरकार है पाकिस्तान को समाप्त कर दे, पाकिस्तान नहीं होगा तो आतंकवाद को आप यहां पर आए हैं, यही आह्वान है। हम भारत सरकार को इतना ही कहने आए हैं कि आप सेना के हाथ खोलो और पाकिस्तान पर आक्रमण करो, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीदों के लिए जो शहीद जवान शहीद हुए हैं, और ये होना ही चाहिए। इसी के लिए हम यहां से जाएंगे, अपने अपने जिले में भी हर क्षेत्र में दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन करेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कम भगतिया काम शुरू करेंगे और आगे बढ़ते रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, देश के सपूतों की, सपूतों की जय श्री राम।
इस्लाम को खत्म करने की। अशोक कपूर जैसा कभी ना कभी हमें उनका नरसंहार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान में कर ले किसी के लिए में हमारे मुख्य अंतर जी है उनसे वही है और अपना उत्तर। इस्लाम आतंकवाद का धर्म है, हर आतंकवादी मुस्लिम होता है और हर आतंकवादी को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त होता है। तो पाकिस्तान आतंकवादियों का, आतंकवादियों की मां कौन है? पाकिस्तान। तो भारत सरकार को पाकिस्तान पर कौन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आतंक भाइयों और बहनों, थोड़ा रुकना पड़ेगा। थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। भाइयों और बहनों, कल की घटना ने पूरी दुनिया को दुख और चिंता में डुबोया है। 7 दिन से बर्फ पड़ने के कारण जम्मू कश्मीर का राजमार्ग बंद था, वो खुला। 2500 हमारे सैन्य बल बसों से जा रहे थे कश्मीर। एक स्थानीय व्यक्ति ने, जो आतंकवादी था, जिसने हमला किया, वो वहीं का था। विस्फोटक से भरी हुई कार उनके पीछे लगाई, ओवरटेक करके आगे ले गया, एक बस चुनी और उस बस से अपनी कार टकरा दी। 39 लोग मारे गए, वो भी मारा गया। उसके मरने के बाद जैश ए मोहम्मद ने एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो अपलोड में जो आतंकवादी था जिसने ये घटना की, उसने ये कहा कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं जन्नत में होऊंगा। तो कौन सी बात है जो नौजवान लोगों को अपना घर बार छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर, अपनी छोटी जवानी में इस तरह के काम करने के लिए मजबूर करती है? और इसलिए ये कहने से काम नहीं चलता कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं ये सारे इस्लाम पर नहीं कह रहा हूं, पर यह बात तो सच है कि दो बातें, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, और दूसरा जो अल्लाह के रास्ते में मरेगा वो जन्नत में जाएगा और उस जन्नत में एक बड़ा रोचक वर्णन है, वो सारा वर्णन मैं आपको बताऊं तो अश्लील हो जाएगा। ये दो लालच होते हैं और इसलिए
इस्लाम का जो जिहादी स्वरूप है, उस जिहादी स्वरूप को दुनिया ने पहचानना होगा। और आतंकवाद तब रोका जा सकता है जब इस जिहादी मानसिकता का उत्तर लेने के लिए पूरा समाज खड़ा हो, पूरा विश्व खड़ा हो। जैश ए मोहम्मद ने यह तीसरा बड़ा आक्रमण किया, 2001 में संसद पर हमले का, 2016 में पठानकोट के एयरबेस का, और ये जो घटना कल हुई है, मरने वालों की संख्या देखें तो 30 साल में सबसे बड़ी घटना है। जैश ए मोहम्मद ये पाकिस्तान में स्थित है, ये पाकिस्तान से समर्थित है। हम लोगों ने कोशिश की अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, पर्याप्त प्रमाण है, सारा विश्व तैयार है। अकेले चीन के वीटो के कारण सिक्योरिटी काउंसिल में उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका। चीन और पाकिस्तान का एक अपवित्र अलायंस है। भारत को घेरना, भारत को कमजोर करना, जब युद्ध होता है तो पाकिस्तान हारता है, और इसलिए युद्ध नहीं करना। इसको वो कहते हैं 1000 पिन प्रिक्स, 1000 पिंच होना, 1000 कट्स। और इसलिए आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। दुनिया ने हमारा समर्थन किया है, दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। कल के विपक्षी दलों के ज्यादातर बयान सरकार के समर्थन में, पूरा देश इकट्ठा है, सरकार मजबूत है। हम अपेक्षा करेंगे इस बार केवल सर्जिकल स्ट्राइक से काम ना हो, इस बार पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के जितने ठिकाने हैं उन सब ठिकानों को नष्ट करना होगा। भारत की सरकार को निर्णायक कदम लेना होगा। अरे भगवान जी, एक बार नारे बंद कराओ, भारत माता की जय श्री राम। आपकी आवाज संसद तक भी नहीं पहुंची, पाकिस्तान कैसे पहुंचेगी? जय श्री राम, भारत माता की। मैं जय भगवान जी का स्वागत करता हूं। तो विश्व हिंदू परिषद भारत सरकार से, भारत की जनता की ओर से आग्रह करती है कि निर्णायक कदम उठाओ। सारा देश आपके साथ है। पाकिस्तान का जन्म घृणा में से हुआ है, और इसलिए भारत की सेनाओं को खुली छूट दो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोनों जगह पर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना होगा। और अगर इस मामले में युद्ध होता है तो युद्ध का भी सामना करना होगा। मैं पूरी दुनिया से भी कहना चाहता हूं, संकोच छोड़ दो, इस बात को पहचानो कि आतंक की यह कार्रवाई जिहाद की मानसिकता से होती है।
जिहाद की विचारधारा से होती है, और इसलिए केवल सेना काम नहीं करेगी, जिहाद की मानसिकता से लड़ने की तैयारी करनी होगी, वैचारिक स्तर पे भी और फिजिकल भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्व हिंदू परिषद इस लड़ाई में सबसे आगे रहेगी, सबका नेतृत्व करेगी, और इस देश की सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद को, जिहादी आतंकवाद को, नक्सली आतंकवाद को, इन दोनों आतंकवादियों को परास्त करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद,